हियरिंग की जो सुनने की क्रिया विधि है, सुनने की क्रिया विधि, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो बताओ आपका जो ईयर का प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी मतलब जानते हो मेन फंक्शन, वो कौन सा है? हियरिंग की बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग, ये बात समझ में आ रही है? मेंटेनेंस ऑफ बेटे बात के बॉडी बैलेंसिंग एंड बेटे बात के पोस्चर, तो बॉडी का पूरा बैलेंस करना ये प्राइमरी फंक्शन है, और पूरे बात की हियरिंग सेकेंडरी फंक्शन है। कान का प्राथमिक पूरा कार्य क्या है? शरीर को क्या करना, बैलेंस करना कि सुनने में मदद करना, बैलेंस करना, समझ पा रही? सेकेंडरी फंक्शन है सुनना। चलो पूरे बात करें, ठीक है, अगर अपन देखें बेटा बात करें मैगनेस ऑफ हियरिंग की, मैं आपसे ये कहूँ पूरे बात करें कोई भी साउंड अगर आता है और आप उसको सुन पा रहे हैं, जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ आप सुन पाते हो, कोई कुछ बोलता है आप सुन पाते हो, कोई चीटी या कोई पूरे बात करें आपका इंसेक्ट भी आवाज करता है, सीटी बजाता है, कुछ बोलता है आप सुन पाते हो, आपको पता है पूरे बात का एलिफेंट कुछ साउंड क्रिएट करता है हम सुन पाते हैं, हमारी एक रेंज है। आपकी जो पूरे बात करें हमारे पास क्या बेटे बात करें सुनने की जो एक रेंज है वो पूरे बात करें 20,000 मतलब 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। क्या होती है बेटे बात करें 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। तो पूरे बात करें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो साउंड वेव आई, कौन आई बेटे बात करें? साउंड वेव। कैसी पूरे बात करें, कौन सी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटे बात, मैं केवल पूरे बात करें उसी साउंड को सुन पा रहा हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बेटा बात करें, देखो 22 पूरे बात करें 20,000 पूरे बात करें, अगर मैं हर्ट्ज लिखूँ तो क्या समझ जाऊँ, बिल्कुल 20 हर्ट्ज से लेकर के 20K हर्ट्ज, ये मतलब क्या होता है 10^3000 तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के साउंड को बस सुनते हैं। ये पूरे बात करें साउंड है, जैसे ही पूरे बात करें पता है किसी पूरे बात करें सोर्स से जनरेट हुआ, ये पूरे बात करें ट्रांसमिटेड होता है बेटा बात करें बाय द ईयर, और ईयर के द्वारा बेटा बात करें कहाँ पहुंचेगा आपकी ईयर पिन्ना पे। ईयर पिन्ना मतलब मैं सीधा लिखूं पूरे बात करें ईयर पिन्ना से पूरे बात करें कहाँ जाएगा बेटा बात करें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस पूरे बात करें, समझ पा, ये साउंड को बेटा बात करें कलेक्ट करेगा और ये पूरे उसको क्या करेगा प्यूरिफाई करेगा, बस समझ पा। तो पिन्ना से ईयर ड्रम, पिन्ना से पूरे बात करें ऑडिटरी मीडियस स्टार्ट होता है और ईयर ड्रम पे क्या होता है खत्म हो जाता है। तो बेटा बात करें अपने क्या बोला, कहाँ के साउंड की पूरी बात करें सोर्स से कहाँ पर आए एक्सटर्नल ईयर, दोनों को जहाँ एक साथ बोल दो एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर से पूरे बात करें साउंड कहाँ टकराते बेटा बात करें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, किससे टकराएंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब बेटा बात करें क्या बोलते हैं इसको ईयर ड्रम, क्या बोलते हैं ईयर ड्रम, जल्दी आ रहे हैं ईयर ड्रम, एक बार कितनी बात देखते चलो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको दिखना चाहिए। ईयर ड्रम के बाद पूरे बात करें पता है जो फर्स्ट ओसाइकल ईयर ड्रम से जुड़ी होती है मिडिल ईयर का उसको हम बोलते हैं मेरियस, तो पूरे बात करें कहाँ पहुंचेगा बेटा बात ईयर ड्रम टू ईयर ओसाइकल्स, कहाँ पहुंचेगा ईयर ओसाइकल्स पूरे बात करें जाएगी साउंड, अरे जाएगा नहीं जाएगा भाई प्रेशर, पूरे बात करें ईयर ओसाइकल में पहले किसके पास मेरियस से, किसके पास इंकस से, किसके पास स्टेपीस, और स्टेपीस से पूरे बात करें मतलब ईयर ओसाइकल्स में किससे स्टेपीस, जो पूरे बात करें इंपल्स है ये ट्रांसमिट होंगे बेटा बात करें किसमें, पूरे बात करें इंटरनल ईयर में, किसमें जाएंगे बेटा इंटरनल ईयर, पर किसके द्वारा थ्रू ओवल विंडो, किसके द्वारा बेटा बात करें ओवल विंडो के द्वारा कहाँ पहुंचेंगे इंटरनल ईयर, यदि बोलो कहाँ पहुंचेंगे बेटा इंटरनल, पूरे बात करें। अब मुझे सुनने की बात करता तो बात किसी करूँगा कुकिया की बात करूँगा, बात समझ कर किसकी बात करो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मतलब ये बात कर सुनने की क्रिया विधि के बारे में बात कर रहा हूँ। इंटरनल ईयर में पूरे बात करें पहले कहाँ पर आएंगे बेटा बात करें स्केला वेस्टिबुलाई, कहाँ पर आएंगे दोस्तों तो वही ओपन हो रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इंटरनल ईयर में पूरे बात करें कहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई से पूरे बात करें इंपल्स है रिपेल है ये कहाँ ट्रांसफर होगी बेटा बात करें स्केला मीडिया, कहाँ पर होंगे, और कुछ पूरे बात करें आपको पता है स्केला वेस्टिबुलाई से जो इंपल्स है पूरे बात करें वो हेलिकोट्रीमा के द्वारा स्केला वेस्टिबुलाई में जाएंगे, तो वेस्टिबुलाई भी इससे इंपल्स पास करेगा किसको बीच वाले रीजन को, तो बेटा बात करें अपन बोल सकते स्केला वेस्टिबुलाई में आएंगे वहां से पूरे बात करें कहाँ चले जाएंगे स्केला मीडिया, स्केला मीडिया पूरे बात करें इन रिपेल को इन पूरे बात करें हलचल को कौन बेटा बात करें पता है अपने अंदर गेन करता है बेसिलर मेम्ब्रेन, कौन लिखता है बेटा बात करें बेसिलर मेम्ब्रेन, और बेसिलर मेम्ब्रेन को पूरे बात करें क्या ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल, क्या जल्दी बोलो बेटा बात करें ऑर्गन ऑफ पूरे बात करें क्या कॉर्टाइल, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल, अगर पूरे बात करें बेसिलर मेम्ब्रेन ने पूरे बात करें इंपल्स को लिया इन पूरे बात क्या पता मूवमेंट को लिया इन प्रेशर को पूरे बात करें लिया, तो ये बेटा बात करें क्या करेगा जल्दी बोलो बेटा बात करें बेंडिंग करेगा, पूरे बात करें किसकी बेंडिंग करेगा हेयर सेल की अगेंस्ट बेटा बात करें क्या टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, समझ पा रहे, तो क्या होगी बेटा बात करें बेंडिंग ऑफ, बेंडिंग मतलब ऊपर जाएगा तो जगह तो है तो मुड़ेंगे स्पीड नहीं मुड़ेंगे, तो भी सर सीधे खड़े थे हेयर
पूरे बात करें, अगर ऊपर धक्के लोगे जगह इनको बहुत देर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएंगे, मतलब बेंडिंग होगी, खड़े होंगे सीधे, बस लेट जाएंगे, फिर पूरे मतलब वही बार बार क्या हो रहा है, रगड़ होगी। इसे हम पता नहीं करते कि नहीं करते, जब ब्रश मारते हैं तो दीदी बात करें तो सीधा ब्रश ले जाते हैं, तो उसको एक बार ऊपर एक बार नीचे करते कि नहीं करते, इस तरीके से तो भाई दुखी होगी। कई बार हमें पता ही कभी कभी लेकिन घर पर कोई देखा करना करने वाला हमारा मन करता है, हम भी एक घुमाता हमारे समझ में रखिए, उस पर ऐसे कुछ चलता तो ऐसा लगता है कि एक आधी बात तो हम करेंगे तो भैया समझ पा रहे, तो ऐसी कंडीशन हमारे पास है। ऑर्गन कोटा है, मैं पूरे बात करें अगर इम्पल्स बेसल मेम्ब्रेन ने लिए, वो ऑर्गन कोटा ने लिए, तो मतलब किसने लिए बेटा बात करें, ये जो बेसल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, प्रेस करेगी, क्या करेगी बेटा बात क्या प्रेस करेगी, प्रेस मतलब दबाव डालेगी, जल्दी बोलो किसको दीदी बताओ, प्रेस पूरे बात करें किसको, हेयर सेल अगेंस्ट किसकी बेटा बात करें अगेंस्ट, बहुत बढ़िया, टेक्टोरियल बेटा बात करें क्या मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट सीधे बात करें प्रेशर डलता है, यहां बेटा बात करें क्या होता है, पूरे बात करें हमारे पास इंपल्स जनरेट होता है, क्या बताओ तो बेटा बात करें, तो इसका मतलब है पूरे बात करें क्या होगा, जनरेट न्यूरल इंपल्स, जिसको दीदी एनसीईआरटी न्यूरल बोले से न्यूरल बोला, तो भाई मेरा दोस्त क्या करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलने का, क्योंकि बेटा है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ना, तो पूरे बात करें यहां पे क्या होता है जनरेट किसमें, हेयर सेल में न्यूरल इंपल्स, जनरेट बेटा बात करें न्यूरल इंपल्स, तो अपन देखा बेटा बात करें जनरेट क्या होंगे न्यूरल इंपल्स, न्यूरल इंपल्स अगर जनरेट हो गए, न्यूरल इंपल्स अगर क्या हो बेटा जनरेट हो गए, न्यूरल इंपल्स अगर जनरेट हुए तो पूरे बात करें इनको अपन क्या कर देंगे ट्रांसमिट कर, ट्रांसमिटेड बेटा बात करें कहां पे, जो न्यूरल बेटा बात करें इन ब्रेन, इन जल्दी बोलो पूरे बात करें क्या, हां बिल्कुल ऑडिटरी कॉर्टेक्स, अगर कॉर्टेक्स ऊपर लिखी हुई बात करें तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, पर दीदी यहां पे इंपल्स है तो किसके द्वारा है बेटा बात करें, जो आपने ट्रांसमिटेड किए हो किसके द्वारा बेटा बात करें, जल्दी बोलो वाया या दीदी वाय या थ्रू, जल्दी बोलो बेटा बात करें एफरेंट ऑडिटरी नर्व फाइबर, पूरे बात करें पता है ऑडिटरी नर्व फाइबर के द्वारा, अपन देखो बनाए थे नीचे, तो ऑडिटरी नर्व फाइबर क्या करेंगे बेटा बात करें बेसल मेम्ब्रेन की जो नीचे से निकल रहा था बेस से, वो पूरे बात करें इंपल्स को लेके कहां चली जाएगी बेटा बात करें ब्रेन में, और ब्रेन में जाके क्या करेंगे एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे पूरे बात करें एनालाइज करेंगे, तो इन चीजों पूरे बात करें पता है दो बार लिखा है, एक बार बेटा बात करें ऑर्गन कोटाई को यहां मत दिया, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है, ऑर्गन कोटाई भी यहां लिखा है समझ पाओ इसकी पूरी जानकारी, और यहां पे केवल ऑर्गन कोटाई बनाया ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी, नीचे पूरे बात के बेसल मेम्ब्रेन, फिर जो है हेयर सेल, हेयर सेल में लिखा है बेटा बात करें पीएचडी टाइप की सेल, स्टीरियो सेल है पूरा का पूरा, एक अपन को बता दीजिए बात करें पीएचडी में कौन कौन सी सेल लिखा है, तो अगर पूरे बात करें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बेटा बात करें हमारे पास कौन से हेयर सेल बेटा बात करें बेसल मेम्ब्रेन स्टीरियो सेल पूरे बात करें नीचे से कौन जा रहा है एफरेंट नर्व फाइबर, और कहां पहुंच गई ब्रेन में, इस चीज को बेटा बात करें अपन ने पूरे यहां बना के अच्छे से दिया है, कहां पे यहां क्वेश्चन निकाले क्या अपने बेटा, तो अपने क्वेश्चंस करते हैं ना, ये पूरे बात करें पूरा का पूरा दे रखा है, देखो दिख रहा है इसमें बेटा बात करें यहां से इंपल्स जा रहे हैं एफरेंट ऑर्डिनरी फाइबर के द्वारा, कहां जा रहे हैं ब्रेन में, ऑर्डिनरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, यहां पर क्या होगा दीदी बात करें इंड्यूस्ड इंपल्स एंड बेटा बात करें क्या रिकॉग्नाइज्ड साउंड, साउंड को क्या करेंगे पहचानेंगे, हिंदी में दीदी देख रखा है आवेगों का बेटा बात करें क्या होगा विश्लेषण, और बेटा बात करें ध्वनि को क्या करेंगे दीदी पहचानेंगे, क्या करेंगे पहचानेंगे, तो इस तरीके से बेटा आपका पूरा का पूरा क्या होता है मैकेनिज्म, एक चीज और याद रखना हमारी जो पूरे बात करें साउंड को डिटेक्ट करने की एक रेंज है वो कहां से कहां तक है 20 से लेकर के बेटा बात करें 20,000 हर्ट्ज, हर्ट्ज की दीदी बात करें हमारे पास पर सेकंड दोनों एक ही है, चाहे तो बोलो पर सेकंड चाहे तो क्या बोलो हर्ट्ज, क्योंकि पूरे बात करें हर्ट्ज को अपन क्या बोलते सेकंड इनवर्स, ये बात समझ पा, तो आगे पूरे बात करें कुछ पूछना है तो बात कर पूछना है ठीक है, तो अपन पूरे बात करें।